अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अतफ नाजिम और मेरे चैनल पे मिलती हैं आप लोगों को बहुत सारी प्रोफेशनल क्लासेस, इसके अलावा बहुत सारी प्रोडक्ट के रिव्यूज और रेमेडीज। आज की जो क्लास है वेडिंग गेस्ट या पार्टी मेकअप पे है। पार्टी मेकअप इतना इजी वाला आप लोगों को सिखाऊंगी कि हर कोई इजीली ग्लिटरी आईज जो है वो घर में बना सकते हैं। पर्पल और ग्रीन ड्रेस के साथ कैसा मेकअप होगा ये आज की वीडियो में मैं आप लोगों को तमाम टिप्स दूंगी। क्लास बिल्कुल स्लो है, बिल्कुल स्पीड मैंने तेज नहीं की वीडियो की, तो जी आप लोग आराम से देखें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ ग्रीन कलर का आई शेडो लिड पे, ठीक है। फिंगर के साथ अप्लाई कर रही हूँ। फिंगर के साथ एप्लीकेशन जो है वो शेड की बहुत अच्छी होती है। अच्छा, फिंगर से जब आप वेलवेटी शेड अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छे ब्लेंड होके लगते हैं और ज़रा सा भी उसमें ना खुरदरापन सा नहीं रहता। तो मुझे ऐसा लगता है कि वेलवेटी शेड फिंगर के साथ बहुत अच्छे अप्लाई होते हैं। अगर आपने ब्रश के साथ अप्लाई करने हैं तो फिर आपने ब्रश को वेट कर लेना है। अभी मैं लिड को कवर कर रही हूँ, आप लोग आराम से देखें मैं किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ जी। तो ग्रीन शेड मेरा अप्लाई हो गया है। अब मैं स्टार्ट में दे रही हूँ जी गोल्डन शेड, ठीक है। पहले मैंने दिया है ग्रीन शेड, उसके बाद दिया है जी गोल्डन शेड। ये जो ट्रिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इस ट्रिक के साथ आप इजीली अपना मेकअप भी कर सकते हैं, किसी का मेकअप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और ये जो ग्रीन कलर अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये मैच नहीं हो रहा, लेकिन ग्लिटर जो है ना मेरा वो थोड़ा सा डार्क ग्रीन है, तो जब वो मैं इस पर अप्लाई करूँगी तो ये डार्क ग्रीन जैसा दुपट्टे का शेड है वैसा इम्पैक्ट देने लग जाएगा। अच्छा, अब देखिए हमने कोशिश करनी होती है कि ड्रेस में जो कलर कम है उसको हमने उठाना होता है, ठीक है ना। अब मैंने दो शेड्स लिए हैं, एक लिया है जी गोल्डन और एक लिया है ग्रीन, क्योंकि ड्रेस जो है वो पूरा पर्पल है, उसके ऊपर थोड़ा सा काम जो है वो ग्रीन है और थोड़ा सा गोल्डन है। उन चीज़ों को उठा के मैं आईज पे ले गई, और आई मेकअप आपका ऐसा होना चाहिए कि ऐसा लगे कि ड्रेस का पैच जो है वो आपकी आईज पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ग्रीन कलर को मैं थोड़ा सा और फिनिशिंग दे रही हूँ और लिड को मैंने बस कवर किया है। अब जी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। नेक्स्ट हम जी ब्लेंडिंग करेंगे। अब हमने सिर्फ अपनी फिंगर के साथ अपर साइड से ब्लेंडिंग करनी है, अब हमने दरमियान में से शेड को नहीं छेड़ना, ठीक है ना। और जिस फिंगर के साथ आपने गोल्डन अप्लाई किया था उस फिंगर के साथ मैंने जो हमारा गोल्डन शेड है उसको ब्लेंड करना है, ठीक है। और जिस फिंगर के साथ ग्रीन अप्लाई किया था उसके साथ आपने ग्रीन को ब्लेंड करना है। और ये जो इनकी शार्प सी लाइन्स हैं वो जब क्लियर हो जाएंगी, नीचे से शेड नहीं छेड़ना, ऊपर से लाइन को सिर्फ क्लियर करना है। देखें जो साइड ब्लेंड हो गई है वो कितनी खूबसूरत लग रही है, और ब्लेंड आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद जी हमने देनी है थोड़ी सी डेप्थ, और ब्लेंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ब्लेंडिंग आप देखें कि मैं फिंगर के साथ कैसे आराम से कर रही हूँ, इसी तरह ब्रश के साथ भी कर सकते हैं। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ जी पिंक कलर का शेड, पिंक या पर्पल सा जो शेड ड्रेस में है ना वो आप ले सकते हैं, और वो लेके आप सॉकेट लाइन पर अप्लाई करें, और अप्लाई करके आप उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करते जाएँ। अच्छा जी, लाइट सा पिंक शेड देने के बाद अब मैंने डेप्थ देने के लिए ब्राउन शेड लेना है। ब्राउन शेड देने के लिए मैंने जी क्रिस्टीन की किट ली है, कंटोरिंग किट जो मेरे पास है, ठीक है। और वो पिंक के ऊपर रख के मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। पहले मैंने पिंक पर्पल सा शेड दिया, उसके बाद अब मैं ब्राउन के साथ डेप्थ दे रही हूँ, और मैं सिर्फ अभी आउटर कॉर्नर पर काम कर रही हूँ, और फिर ऐसा ऐसा जब मैं एप्लीकेशन कर लेती हूँ फिर इनर साइड पर भी हाथ ले आती हूँ, ताकि सॉफ्ट सा सॉकेट जो है वो क्रिएट हो जाए। और बड़ी अच्छी सी ब्लेंडिंग कर देनी है। अब आपने लिड को बिल्कुल नहीं छेड़ना जहाँ पे आपने दो शेड्स की एप्लीकेशन की हुई है, अब आपने ऊपर वर्क करना है। अच्छा, ब्राउन शेड जो है वो अप्लाई करके लुक जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है आई की। ऐसे जब कॉर्नर में डेप्थ आती है और आपका कॉर्नर जो है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड होता है, आपका सॉकेट ब्लेंड होता है, तो आपके इनर शेड्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। तो बस मैं अपने मैजिक ब्रश के साथ ब्लेंडिंग कर रही हूँ। अब वही ब्राउन शेड लेके जो मैंने ऊपर अप्लाई किया है उसी ब्राउन शेड को मैं आई के नीचे दूंगी, ठीक है। बिल्कुल आपने लैश के साथ साथ देना है अप्लाई करना है, और जब आप ब्राउन अप्लाई कर लेंगे उसके बाद जो फ्रंट पे मैंने देना है वो मैं हल्का सा पिंक भी इसमें ऐड कर दूंगी। पिंक और ब्राउन मैं मिक्स कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने दे दिया जी पिंक, और जी एंड पे मैंने दे दिया ब्राउन, और ये पिंक मैं अब थोड़ा सा और प्रोमिनेंट करूँगी। और आई के नीचे पिंक शेड बहुत अच्छा और नेचुरल सा नेचुरल सी लुक देता है। और देखें अब ये आपके सामने एप्लीकेशन हो गई है। अब जी आई के अंदर मैं दे रही हूँ काजल। काजल आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये पेंसिल काजल है, मैं वही अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद जी बारी आ गई हाइलाइटर की। हाइलाइटर मैंने लिया है जी डल गोल्ड शेड ग्लैमरस की आई शेडो किट में से। अच्छा, बेस की अगर बात की जाए तो बेस मैंने आप लोगों को इससे पहले जो मेहंदी मेकअप की लुक दिखाई थी ना उसमें जो बेस यूज़ की थी ये सेम वही बेस है, और मैंने सिर्फ आईज रिमूव की है और बाकी मेकअप रिमूव करके उसी बेस के ऊपर ये दोबारा से मेकअप किया है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि ग्रीन आई मेकअप कर लिया मैंने। अब जी लिपस्टिक अभी बाकी काम रहता है, मैं पहले लिपस्टिक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ शॉकिंग पिंक।
पर्पल के साथ शॉकिंग पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है, ग्रीन के साथ भी शॉकिंग पिंक बहुत अच्छा लगता है, दोनों का ये कंट्रास्ट है, पर्पल का भी कंट्रास्ट है, ग्रीन का भी कंट्रास्ट है, तो इससे अच्छी लिपस्टिक इस शेड के साथ कोई हो ही नहीं सकती। अब क्योंकि जी बेस मेरी पहले से कंप्लीट है, मैं ब्लश ऑन दे रही हूँ। ब्लश ऑन जो है वो चीक्स पे जहाँ पे एप्पल बनते हैं आपके वहाँ से आपने अप्लाई करना होता है, और उसके बाद आपने हल्का हल्का सा नोज पे भी हाथ फेर देना होता है, और नोज पे आपने सिर्फ हाथ फेरना है, आपने कलर की एप्लीकेशन नहीं करनी है, कलर की एप्लीकेशन चीक्स पे ही करनी है, ठीक है ना। और इसकी डिटेल में सारी जो वीडियो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपने बेस देखनी है, हाईलाइटिंग देखनी है, कंटूरिंग देखनी है, सब आप लोगों को डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ जी ब्यूटी वर्ल्ड का हाईलाइटर। जैसे ही मैंने हाईलाइटर अप्लाई किया, आप देखें कि मेकअप में रौनक आने लग गई है। हाईलाइटर जो है आजकल बहुत इन है और बहुत खूबसूरत लगता है। चीक्स पे मैं दे रही हूँ, चीक बोन पे मैं अप्लाई करती हूँ, जो प्रोमिनेंट एरियाज होते हैं वहाँ पे अगर आप हाईलाइटिंग करें तो हाईलाइटिंग जो है बहुत खूबसूरत लगती है। तो हाईलाइटिंग कर ली, उसके बाद जी अब हमने यहाँ पे जो हमारा लिप्स के ऊपर वाली साइड है वहाँ पे आपने हाईलाइटिंग कर लेनी है। तो लिप्स देखें कितने खूबसूरत इन्हेंस हो गए हैं, और उसके बाद जी चिन पे अप्लाई कर देना हाइलाइटर। उसके बाद बारी आ जाती है जी ग्लिटर की, और ग्लिटर मैं अप्लाई कर रही हूँ जी सॉरी ग्लिटर जेल अप्लाई कर रही हूँ मैं स्टेज लाइन की ग्लिटर जेल मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसकी नोज़ल बहुत खूबसूरत है। उसके बाद जी ग्लिटर दे रही हूँ ग्रीन कलर का, और ये ग्रीन कलर का जब ग्लिटर आप अप्लाई करेंगे भी लास्ट में आप जब लुक देखेंगे आपको तब समझ आएगी, यहाँ पे शायद लाइट की वजह से आपको थोड़ा लाइट लग रहा है। तो थोड़ा थोड़ा करके आपने ग्लिटर अप्लाई कर दिया, जेल भी आपने बहुत थोड़ी लगानी है। अब जी बारी आ गई लाइनर की, लाइनर मैंने बहुत हैवी अप्लाई नहीं करना, बहुत बारीक सा ही लाइनर दूंगी, लेकिन छोटा सा विंग भी बनाऊंगी। मैं जो लाइनर यूज़ कर रही हूँ वो है जी क्रिस्टीन का लाइनर, एक्वावेट लाइनर जो होता है, और केक लाइनर क्रिस्टीन का भी बहुत अच्छा है, 350 रुपीज़ में आपको मिल जाता है, और बहुत अच्छा ब्लैक लाइनर है। अब जी मैं पहले एक स्ट्रेट लाइन ले गई हूँ लाइनर की, अब मैंने मॉडल की आई खुलवा के आई एंड से विंग उठाना है, और मैंने बहुत माइनर सा विंग बनाना है, बहुत ज़्यादा विंग नहीं बनाना, लेकिन विंग बनाते ऐसे ही हैं। तो जी लाइनर की एप्लीकेशन हो गई है, अब लैश में अप्लाई कर रही हूँ, और लैश मैं यूज़ कर रही हूँ I1 कंपनी की। I1 की लैशेज जो है 100% रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, और जो ग्लू मैंने यूज़ किया वो है जी स्वीट टच की, वो भी 100% रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। और बस आपने करना क्या, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ग्लू नहीं लगानी होती, और लैश के साथ साथ आपने इसको आई लैश को रख देना है, उसके बाद आपने ब्रश के साथ इसको फिक्स कर देना है, और बस आपकी लैश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाती है। 2 मिनट आप आईज जो है वो बंद रखवाएं, उसके बाद आईज जब खोलेंगे तो बहुत अच्छी सी एक लुक आ जाती है, क्योंकि लैशेज लगने के बाद आपकी लुक जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो ये थी जी मेरी मॉडल की फाइनल लुक, ग्लिटरी आईज मैंने आज आप लोगों को सिखाई है, ग्रीन ग्लिटरी आईज विद पर्पल और ग्रीन ड्रेस, ठीक है। और मेरी मॉडल का भी इंस्टाग्राम पे भी पेज है, और इसके अलावा जी यूट्यूब चैनल भी है, दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर जाके विजिट कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।